हमको अगला क्वेश्चन दिया है, पी यू इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, प्रूव दैट डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, अपने यू को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमको डे यू बाई डेल एक्स मिलेगा। तो यू क्या है, टू ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो टू तो कांस्टेंट है, यहाँ पे पहले टू को बाहर रख लेते हैं, अब इस ब्रैकेट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन क्या आता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो वैसे इसको करेंगे, पहले पावर बाहर आएगा, फिर क्या जो है मतलब क्या है ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई है उसके पावर में जो भी है उसमें से एक कम होता है, एन होता है तो एन रहता है तो एन माइनस वन होता है, तो टू है तो टू माइनस वन मतलब वन होगा। फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी वाई तो जीरो होने वाला है क्योंकि वाई तो वाई को हम कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया, फिर क्या माइनस आगे वाला देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, वाई का जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फोर ए है, फोर ए है, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो फोर ए तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करो क्योंकि इस बार पावर वन है तो दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सिंपली ओपन करके डिफरेंशिएट कर लो, तो ए एक्स का ए हो जाएगा और बी वाई तो जीरो हो जाएगा, और बी वाई तो जीरो होने वाला है क्योंकि बी को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। माइनस यहाँ पे देखो टू एक्स है, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू हो गया, मतलब क्या मिला हमको, फोर ए स्क्वायर माइनस के टू मिला। ठीक है, अब क्या करते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी यू बाई डेल वाई का वैल्यू निकालते हैं पहले, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले वाई टू बाहर रहेगा, पहले क्या होगा टू बाहर आएगा, फिर क्या ए एक्स प्लस बी वाई के पावर टू वाई टू माइनस वन मतलब वन होगा, फिर चेन रूल लगा के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए एक्स तो जीरो होने वाला है क्योंकि इस बार वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स कॉन्सेंट्रेट होगा, बी वाई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो माइनस एक्स स्क्वायर का जीरो, वाई स्क्वायर का टू वाई हो जाएगा। फिर क्या हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर मिलेगा, फोर बी यहाँ पे मिलने वाला है, और इस ब्रैकेट को ओपन करके डिफरेंशिएट करो तो ए एक्स तो जीरो होने वाला है, बी वाई तो बी हो जाएगा, और माइनस टू वाई टू टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, फोर बी स्क्वायर माइनस के टू मिल गया। आप इसको इक्वेशन नंबर वन बना लो, इसको इक्वेशन नंबर टू बना लो, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करो, फोर वन प्लस टू क्या मिलेगा आपको, फोर ए स्क्वायर माइनस टू प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस के टू। तो क्या करते हैं, माइनस टू माइनस टू माइनस के फोर हो गया ये, और फिर क्या यहाँ से फोर कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, तो फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा और माइनस के फोर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू उसने वन के बराबर दे रखा है, तो ये क्या मिल गया, फोर माइनस फोर मतलब कि ये जीरो के बराबर हो गया। ये बात हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है, नोट करो,